हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग अभी कौसानी से निकल चुके हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और हम अभी कौसानी से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने गांव बागेश्वर, बाबा बागनाथ की नगरी में। और हम अभी थोड़ी देर कौसानी के टी गार्डन में रुकेंगे, उसके बाद हम बैजनाथ मंदिर भी जाएंगे। अब आए हैं तो वहाँ भी घूम के जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है अभी पे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी ताई जी के वहाँ। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आपको दिखाया था, ताई जी आई थी, तो वो पहाड़ में ही रहती हैं। हम उनके घर जाएंगे, वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है जिसमें सारी पहाड़ी डिशेज मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। दक्षु भी रेडी होके आ चुका है, पेट फुल करके, कौसानी में नाश्ता करके, पराठे खा के। अनाया भी आ गई हीरोइन बनके और पापा बैठे हैं आगे, ड्राइविंग हो रही है इनकी। अभी हम टी गार्डन जाएंगे। डॉक्टर तो कैसा लग रहा है आपको घूम के, सही लग रहा है? ये दक्षु के पहचान है, ये दो दांत दक्षु की पहचान है, पहचान मोती है, वो मोती है ना दक्षु, ऐसे सब जान जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मसूरी के टी गार्डन में। ये देखिए कितना औसम व्यू है। टी गार्डन में टी बनती है, वो देखो जो सारे टी के प्लांट्स हैं, वो जो वहाँ पे है ना, चाय बनती है, जो चाय जैसे चाय पत्ती बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ चाय पत्ती बनेंगे। इतना ऑसम व्यू, वाह। तो अभी वहाँ से नीचे हर जगह पे चाय के ही बागान है, टूरिस्ट भी आए हुए यहाँ पे काफी। पापा तुम ऐसा नहीं है नहीं। तो फिर गाइस, यह है कौसानी का टी गार्डन, बहुत ही सुंदर बनाया है टी गार्डन। आप भी देख सकते हैं जो चाय पत्ती बनती है यहीं बनती है। ये देखिए, ये है, ये लीव्स हैं, चाय पत्ती इन्हीं से बनती है। ये जो पत्तियां हैं ना जो चाय बनाते हैं हम, वो पत्तियां हैं ये, इनको सुखा के फिर मशीन में चाय, पूरा नीचे तक ये पूरा चाय पत्ती है, देख चाय की पत्तियाँ, ये देखो, ये सारा यही है हर जगह पे। चलो, ये 400 किलोमीटर है, ये देखो 400 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है, सब में चाय का बागान है ये कौसानी का। ये देखो जो हम ये घर में चाय पत्ती पैकेट में आते हैं ना, वो इन्हीं को तोड़ के बनते हैं बेटा, यहाँ टोकरी में रख के ऐसे करके। वाओ, यहाँ देखो ये पीछे, ये 400 किलोमीटर, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कितना अच्छा टी गार्डन है। चलो चलो, 1 किलोमीटर तो चलते हैं। ये देखो, वाओ, चाय पीने में अच्छी लगते हैं। ये तेज पत्ता होता है, ये जो है यहाँ पे तेज पत्ता कहते हैं, ये तड़के वड़के में काम आता है। नहीं, ये नाशपाती का पेड़ है, देख नाशपाती लगी हुई है उसमें, देखो ऊपर वो नाशपाती लगी तो है, देख ये पानी आ रहा है दक्षु, आटा पी लेता हूं। ये भविष्य में यहाँ पे नल लगेगा। 2050 में पूरा गिर गई थी अभी, हाँ हो गया हो गया हो गया, अब तो कर दिया मैंने। भाभी चाय पत्ती तोड़ जाओ, थोड़ा काम आएगी घर। हाँ, ये तेज पत्ता तोड़ा फिर तुमने, तेज पत्ता तो फिर अच्छा होता है में। तो फिर गाइस, अभी हमने देखा कौसानी का टी गार्डन और अब हम जा रहे हैं बैजनाथ की ओर। ये बैठी अनाया, दक्षु चलेगी अपनी ताऊ की गाड़ी में और पूर्वा चले गई है मौसा जी की गाड़ी में। आई भी अपनी गाड़ी में, जाऊंगी भी अपनी, एनो मेरे साथ ही रहती है बस एक।
ये है बैजनाथ मंदिर, मंदिर तो नहीं है, झील है बैजनाथ की। तो भी ये नहीं देख रहे ये पानी खा। वो है मंदिर वहाँ सामने। मंदिर जाना है। तो यहाँ से जाने पैदल जाने का रास्ता तो है। एनु हम सब लोग जा रहे हैं बैजनाथ में। वो उधर है मंदिर। कहाँ है मंदिर? वहाँ पर तो एक पत्थर है ना, जैसे 12 लोग मिलकर। पता है मुझे 12 लोग, 7 लोग, 12 9 लोग उठाते हैं ना, 9 उंगलियों से, उंगलियों से। हाँ पत्थर को, हाँ अभी उठाते हैं, चलो पत्थर उठाते हैं अभी। ओ सामने बैजनाथ का मंदिर है, काफी सुंदर सा मंदिर है। तो मछलियाँ आ रही हैं, दाना दो ने। वाओ ये देखो मछलियाँ, पानी थोड़ा गंदा ऐसा हो रहा है ना। वाओ दिख रही दिख रही दिख रही, दूर वो पीछे पीछे बैठ बेटा। यहाँ पे देखो उछल के आ रहे हैं दाना। बाबा इधर के देखो गाइस, हम बैजनाथ मंदिर घूम के आ चुके हैं। कैसा लगा आपको बैजनाथ का मंदिर? काफी सुंदर बना दिया है, वहाँ पे झील बना दी है, बोटिंग के लिए बोट रखी हुई है। और हमें तो उतना टाइम था नहीं कि हम बोटिंग करें, और काफी टूरिस्ट भी थे वहाँ पे, तो लाइन बहुत थी। और अब हम निकल रहे हैं बागेश्वर को, अपने गाँव में। पहले हम जाएंगे अपने बड़े भाई के वहाँ, जिनका रेस्टोरेंट है बागेश्वर में। उसके बाद हम कल पूजा के लिए निकलेंगे अपने इष्ट देव के मंदिर में, अपने गांव। फिर मैं आपको अपने गांव का घर दिखाऊंगी। और हमारा बागेश्वर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। अभी दिखाती हूँ आपको कुछ रास्ते के सीन। ये देखिए कितना प्यारा है हमारा बागेश्वर। नीचे नदी है, जानवर है, चारा चरने आए जानवर। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय बागेश्वर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये है हमारा सुंदर सा बागेश्वर, यहाँ की सुंदर सुंदर हसीन वादियाँ देखिए। सामने नदी है, दो तीन दिन बागेश्वर में ही घूमना है हम। गाइस हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर में। ये है बागेश्वर की मार्केट, और मेरे हस्बैंड मिठाई लेने गए हुए हैं सामने सैनिक स्वीट हाउस। भाभी लोगों का तो खाना भी चल गया है, भाभी की चाय चल गई। यहाँ ताई जी का पैर छू रहे हैं। बात ताई जी हैं, याद हूँ नहीं, बल पहचान रहे हो नहीं? ओए ओए ये भाभी पहुंच गई है जायका रेस्टोरेंट में।
शांति दी, शांति दी कोल्ड ड्रिंक चल रही है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी जा रही है इनकी। अरे सही से खा रहे हैं, हाथ से ऐसे खाए ना। ये है हमारे भैया का जायका रेस्टोरेंट। अच्छा वेल नैन नैन चलो बढ़िया दी भाई दी नंदिन बतवा दो ना तीन बच्चे अलग कर रहे हैं। ये ताई जी के घर में लगे हैं खीरे। खीरा देखो भाभी इतने छोटे पेड़ में खीरे लगे हैं, एक नीचे भी लटकाया वहाँ। ये लगे हैं शिमला मिर्च है नीचे कमरे हैं। चलो आओ नीचे देख लो। जंजीर छन पे, जंजीर छन है कृष्णन ने बहुत है 50 है ना रोम आज का भाभी स्कूल है ना पूरा के अपन यहीं पढ़ा है। ये हैं पहाड़ के छोटे से होटल, भाभी आराम फरमा रही है। मम्मी मेरे को दादा दो कमरे, इतनी व्यवस्था तो करी है यार देखो पहाड़ में भी। एक कमरा वहां भी है शायद, एक कमरा यहाँ है। यहाँ कौन कर रहा है आराम, यहाँ प्रकाश आराम करने में लगे हैं। वहाँ बाथरूम बना है, ये बेड रखे हैं। तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना प्रकाश यहाँ है। ताई जी मम्मी की दीदी है जी, तुम्हारे घर आ गए आज हम। समझे कहाँ बह रहे हैं, ये ताई जी लोगों का होटल है। अच्छा शांति बच्चे क्या खा रहे हैं, जौला भात झोली भात करी है, झोली भात हरी सब्जी रिकॉर्ड करो किसी का खाना अच्छा नहीं हो, वही डुबके जो आपने बनाए थे। और ये है डुबके भात, ये डुबके फेमस है यहाँ, डुबके तो फेमस है, डुबके और झोली खाओ साथ में। हमें तो खानी है, इसको खाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तुम लोग भी यार हो गई। इनको चाहिए बर्गर पिज्जा, अभी चाउमीन ऑर्डर कर दो ना जरा, सब खा जाएंगे। मैंने एक दिन घर बनाए थे, मेरी दोस्त कह रही है क्या बनाया है तुमने ये काले काले। पहाड़ी खाना बस ताई जी के यहाँ के डुबके भात फेमस है। कैसा हो रहा है फिर? बहुत बढ़िया। अच्छा हो रहा है पापा तो पहलवार खाना नान है बाबा ये डुब पहलवार खंचा यही तो फेमस है यहाँ का खाना, कहाँ कहाँ पे लोग आ गए। ये रखी है सलाद हरी सब्जी पकौड़ी राजमा डुबके, प्रकाश कला खवाए दिन का फ्रेंड्स। ये है पहाड़ के डुबके जिसे खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक आते हैं मनकोट में। ये झोली बनाई हुई है, ये हरी सब्जी है, चटनी काफ़ी टेस्टी बनता है। आप मैंने थोड़ी देर में दिखाया था आपको। क्यों गए तुम मंडोला? मीना सुबह मंडोला देखो, राजमा चावल, राजमा चावल खा रही है। लगता तो नहीं है इतना, लगता तो नहीं है इतना खाती होगी करके, बहुत टेस्टी खाना हो रहा है यहाँ खाने के लिए। ये हमारी ताई जी है, ताई जी आओ, ताई जी के बेटे का होटल है ये। ताई जी आओ, समधी ले जाओ, ताई जी, ताई जी के समधी चाहिए, बोल समधी के साथ जा रही हूँ। ताई जी के बेटे का होटल है और हम आज आए पहली बार आए हैं, 2 साल बाद आए हैं। टेस्टी हो रहा भाई, इतनी बनाओ यार। हम खा इतनी रोटियाँ बना चुकी है हमने, अब बाकी की मम्मी बनाएंगी। मेरी मम्मी के हाथ की रोटी देखी जाए बिल्कुल फूलेगी यहाँ से वहां तक का। मम्मी को पहाड़ की याद आ रही है ना, पहाड़ की याद आ रही। एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मम्मी को रोटी बनाने का पहाड़ की। रोटी मैंने बनाई नहीं है क्या कभी? नहीं बनाई है ना, पहाड़ में थोड़ा बनाई है। आती है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? हम हैं अभी बागेश्वर में, कल को हम अपने घर जाएंगे, अपने पैतृक घर।
देख सकते हैं आप ये पहाड़ों की हसीन वादियाँ, वो सामने दिखाई दे रहा है हमारा घर, और उधर सामने में है मंदिर जहाँ हमारी पूजा है कल को। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सो फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। बाकी कल मैं पूजा और अपना घर आपको अपने कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहिए, बाय।